गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीएसएल स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। नीलमणि पाठ्य पुस्तक में आज हम पार्ट 9 अहंकार की हार पाठ का अध्ययन करेंगे। अहंकार की हार, इसमें दो कहानियां बताई गई है जो जीवन में सीख लेने के लिए उपयोगी है, तो आज आप उसी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसमें बताया गया है कि दो कहानियों के माध्यम से कि जीवन में किस प्रकार से जो सीख मिलती है वो किस प्रकार के लिए उपयोगी होती है, उसी के बारे में इस पाठ के पाठ में बताया गया है। तो आज हम पाठ 9 अहंकार की हार, जो दो कहानियों पर आधारित है ये पाठ, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन जिसमें एक कहानी सबसे पहले कौन सी है, अहंकार की हार, उसका अध्ययन करते हैं। एक राजमहल के पीछे की तरफ बहुत बड़ा सरोवर था। सरोवर मतलब तालाब। तो एक राजमहल था, उसके पीछे की तरफ क्या था, एक बहुत बड़ा तालाब था या सरोवर था। उसमें अनेक सुनहरे हंस रहते थे। उस जो तालाब था राजमहल के जो पीछे, उसमें कैसे सुनहरे हंस रहते थे, उसमें कितने अनेक। प्रत्येक हंस 6 माह के बाद सोने का पंख सरोवर के तट पर झाड़ देता था, जिससे राजा के सेवक उठा ले जाते थे। मतलब जो सरोवर था राजमहल के पीछे, वहाँ पर कैसे जो अनेक प्रकार, मतलब अनेक अनेक मतलब बहुत सारे सुनहरे कैसे होते हैं, जो सोने का रंग जैसा होता है वो होते हैं सुनहरे पंख वाले हंस रहते थे। और प्रत्येक हंस क्या करता था, 6 महीने के बाद में, जो 6 महीने होते थे उसके बाद में एक अपना जो सुनहरा पंख होता था वो सरोवर के तट पर झाड़ देता था, मतलब सोने के समान सुनहरा रंग जो होता था, जिसे क्या करते थे, राजा के जो सेवक होते थे, जो सेवा करते थे राजा की, वो उसे उठा ले जाते थे। उस सरोवर में एक बार बहुत बड़ा पक्षी आया। उस सरोवर में मतलब तालाब में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पक्षी आया। उसे देखते ही सारे हंस बोले, अरे भाई तुम हमारे बीच यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम यहाँ क्यों चले आए। हम हर 6 महीने बाद राजा को एक एक सोने का पंख देते हैं, बदले में हमने ये तालाब खरीद लिया है। मतलब जो हंस थे उस पक्षी को, जो बहुत बड़ा पक्षी आया था उसको देखकर बोलते हैं कि तुम हमारे बीच में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते, कि हम तो हर 6 महीने में जो सोने का पंख झाड़ते हैं सरोवर में, तो एक एक पंख देते हैं अपना राजा को हर 6 महीने में, तो बदले में हमने क्या करा, ये तालाब हमने खरीद लिया है राजा से, क्योंकि हम उसे इसका मोल चुका रहे हैं, तो तुम यहाँ नहीं रह सकते हो भाई, क्योंकि ये तो हमारा खरीदा हुआ है। भाइयों, मैं तो बेसहारा हूँ, बड़ी आशा से आप लोगों की शरण में आया हूँ, वह पक्षी बोला। वो क्या बोलता है पक्षी, किसको, हंस को बोलते हैं, बोलता है कि भाइयों, भाई मैं तो बेसहारा हूँ, मतलब बेसहारा मतलब जिसका कोई सहारा नहीं हो, जहाँ का रहने का ठिकाना ना हो, तो मैं बड़ी बेसहारा हूँ, मैं बड़ी आशा के साथ में, मतलब उम्मीद से तुम्हारी तुम लोगों की शरण में आया हूँ। शरण में मतलब जहाँ पर किसी की शरण में जाना, मतलब सहारा लेना किसी का, तो वह पक्षी बोला। मगर किसी ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, मगर वो जो हंस थे उन्होंने उसकी किसी की मतलब उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, किसकी, पक्षी की, बल्कि उसे मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। हंसों का ऐसा व्यवहार कैसा होता है, व्यवहार का मतलब होता है कि बर्ताव, ठीक है ना, देखकर पक्षी को बहुत क्रोध आया। मतलब उसने बड़ी नरमाई से आप लोगों से, उन लोगों से क्या उम्मीद की कि भाई मेरे तो वैसा आ रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा, फिर भी उन लोगों ने जो हंस थे उसकी बात नहीं सुनी पक्षी की, और उसे वहाँ पर से वहाँ से क्या करा, मार पीट कर निकाल दिया, भगा दिया। तो उस पक्षी को जो हंसों ने जो उससे व्यवहार किया था उसमें क्या आया, क्रोध आया, क्रोध मतलब गुस्सा आया। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि इन अहंकारी हंसों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अहंकारी कौन होते हैं, घमंडी, अहंकारी का मतलब होता है घमंडी। तो किसने, पक्षी ने अपने मन ही मन में ये सोचा कि उसने मन ही मन में ये सोचा, निर्णय लिया कि जो अहंकारी हंस है, घमंडी जो हंस है, उनको क्या करना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। वह पक्षी राजा के पास गया और बोला, महाराज
आपके सरोवर के हंस बड़े अहंकारी हैं। फिर वो जो पक्षी था वो किसके पास गया, जो राजमहल के जो राजा थे उनके पास गया और बोला कि महाराज आपके जो सरोवर मतलब तालाब में जो हंस रहते हैं वो बड़े क्या है, घमंडी है। मैं वहाँ शरण लेना लेने गया था और प्रार्थना की थी कि दयालु राजा के मानसरोवर में मुझे भी स्थान दे दो, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनमें से एक हंस ने अकड़ कर कहा, राजा कौन होता है? मतलब वो सबक सिखाना चाहता था, तो इसलिए वो अपनी प्रार्थना किसके पास लेके गया, राजा के पास गया, और राजा के बारे में जो भी उसने अपने उनको सबक सिखाना चाहा था, जो उसने योजना बनाई थी उसके बारे में उसको मतलब बताया कि भाई वो वहाँ से बोला कि भाई हंस ने अकड़ कर बोला कि राजा कौन होता है, वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये सरोवर हमने उससे खरीद रखा है। महाराज वे लोग सोचते हैं कि सोने का पंख देकर उन्होंने पूरा सरोवर ही खरीद लिया है, उन्होंने मेरा भी अपमान करके मुझे वहाँ से भगा दिया। आपके राज्य में ऐसा अन्याय होना अच्छा नहीं है, न्याय और न्याय करें महाराज। न्याय मतलब इंसाफ, न्याय का मतलब होता है इंसाफ। तो जो पक्षी था उसने अपनी जो बताया कि भाई इसको, क्योंकि वो ऐसी योजना बना के गया था कि वो जो घमंडी हंस थे उनको सजा दिलाना चाहता था, तो वो महाराज को जाके बोलता है कि भाई कि राजा कौन होता है, वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये तो हमने सरोवर खरीद रखा है। तो उसने ऐसे बोला कि जो पक्षी था कि भाई मेरा भी अपमान हुआ है और आपके मतलब राज्य में अन्याय होना अच्छा बात नहीं है, न्याय करें महाराज, मतलब इसका कोई इंसाफ करें। तुम चिंता ना करो, हम अवश्य न्याय करेंगे। महाराज जी बोलते हैं जो राजा कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य ही न्याय करूँगा। राजा ने उसे धीरज देकर सैनिकों से कहा, तुम लोग इसी समय उन हंसों को मेरे सामने पेश करो, उन अहंकारी हंसों को मैं सजा दी जाएगी, अहंकारी हंसों को सजा दी जाएगी। राजा का हुक्म पाकर सैनिक सरोवर की ओर गए। हंसों ने सैनिकों को सरोवर की ओर आते देखा तो उनमें से एक बूढ़ा हंस बोला, दोस्तों अब इस सरोवर को छोड़ देना ही हितकर है, लगता है उस पक्षी ने हमारे खिलाफ राजा के कान भर दिए हैं। कान भरना मतलब चुगली करना, अब हमें सजा मिल सकती है। बूढ़े हंस की बात सुनकर मानकर तुरंत सारे हंस वहाँ से उड़ गए। राजा ने नए पक्षी को तालाब में रहने की आज्ञा दी। तो ये जो अहंकार था उनका, तो यहाँ पर क्या हुआ, अहंकार की हार हुई। भाई जो घमंड करता है, इस कहानी से अपन को क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी बात के लिए। आप उनको कुछ जैसे इसमें बताया कि हंस क्या कर रहे थे, सरोवर तट पर क्या करते थे, एक पंख सोने का पंख झाड़ते थे, वो क्या करते थे, राजा के सेवक उठा ले जाते थे। तो उनको ऐसा लगता था, उनको ये घमंड था कि भाई हमने ये सरोवर खरीद लिया है हंस मतलब सेवक उनको सोने का पंख देकर, तो ये हमने राजा से कट लिया। तो इसलिए इस बात से इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी किसी बात का कोई घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या होती है, अंत में जाके क्या होती है, वह अहंकार की क्या होती है, हार ही होती है। तो अपन को कोई भी किसी भी कार्य का अहंकार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।